is like the shining flame of an oil lamp that lights the disciples' inner lamp and thus remove their dark inner darkness of ignorance. The flame of the lamp represents luminance and brilliance. It acts as a dispeller of darkness. As soon as the lamp is lit, darkness flees away. Now, may I request Param Pujya Swamiji Maharaj to present our students with mementos as token of his love and blessings. Netikta ki sur sarita me jan jan man pavan ho sayam may jeevan ho sayam may jeevan ho akritika bhagini ji जन मन पावन हो संयम मय जीवन अपूर्वा भगिनी जी संयम मय जीवन हो भानुप्रिया भगिनी जी दीक्षा भगिनी जी अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की दिव्यांशी भगिनी जी अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा कशिश भगिनी जी और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा छोटे छोटे संकल्पों से नैन्सी भगिनी जी परिवर्तन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो प्रेरणा कुमारी भगिनी जी नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो प्रेरणा ठाकुर भगिनी जी मय जीवन हो गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल गुरु है मेरे अनमोल। कबीर जी अपनी वाणी में परमात्मा का व्याख्यान करते हुए लिखते हैं गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है। कहते हैं ईश्वर की व्याख्या करना कुछ इस प्रकार है जैसे किसी गूंगे व्यक्ति ने गुड़ खा लिया हो और हम उनसे पूछें कि गुड़ कैसा है। है मौन में डूबी दुनिया तेरा किस्सा कौन सुनाए जो कहे न जाने जो जाने कह ना पाए। पर फिर भी उन्होंने परमात्मा के वर्णनों का भव्य रूप देते हुए लिखा सात समुंदों मस करो कलम करो बनराए वसुधा कागद ज्यों करो हरजस लिखन न जाए हरजस लिखन न जाए। कहते हैं अगर जो इस धरा पर स्थित सातों समुद्रों की शाही बना ली जाए और जितने भी वृक्ष हैं उन सब की कलम बना ली जाए और इस पूरी धरती को अगर कागज मानकर उस परम पिता परमेश्वर के गुणों का वर्णन करूं तो तब भी वह संभव नहीं। ठीक उसी प्रकार परम पूज्य स्वामी जी व परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के ऋणों का
उनके उपकारों का वर्णन संपूर्ण मानवता नहीं कर सकती। 8 वर्ष पूर्व जिस पौधे का आरोपण स्वयं परम पूज्य स्वामी जी व परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने अपने कर कमलों से किया, आज वह एक भव्य रूप ले चुका है और उसकी एक और कली पुष्प बनकर तैयार है। मैं अपनी पूरी कक्षा 12वीं की ओर से महाराज श्री द्वय के चरण कमलों में साष्टांग नमन करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण किरदार कोई एक जन निभा सकता है तो शायद वो मां के सिवाय और कोई नहीं। अगर हम शब्द हैं तो वो पूरी भाषा हैं। अगर हम शब्द हैं तो वो पूरी भाषा हैं। मां की बस यही परिभाषा है, मां की बस यही परिभाषा है। जो दुनिया लगी हुई है जन्नत के दरवाजे खोजने को, दुनिया लगी हुई है जन्नत के दरवाजे खोजने को, कोई इन्हें बताए कि मां घर पर ही रहती हैं। एक पिता का पुरुषार्थ अपनी संतति का सबल आधार होता है। इस दुनिया में ना जाने कितने ही लोग हैं जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन से पार है। लोगों के पास इतना पैसा है कि बैंकों के पास जगह नहीं है, पर फिर भी इन अमीरों की लिस्ट में एक पिता अव्वल नंबर पर शुमार हैं। एक पिता जैसा आलीशान और कौन होगा जो अपने कुर्ते की फटी पुरानी जेब में हाथ डाल करके कहे मेरा बेटा जो मांगेगा मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। जिन्होंने एक मां की तरह हमें स्नेह दिया और जब कभी हमसे गलती हो गई तो एक पिता की तरह हमें समझाया भी, परम आदरणीय उपाध्यक्षा महोदया जी, जिन्होंने प्रातः काल हमारे साथ योग किया, फिर भक्ति योग किया और फिर पूरा दिन भर हमारे साथ कर्म योग किया। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जिस प्रकार श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं हम जैसे निम्न लोग फिर उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं। जिन्होंने एक आदर्श जीवन का उदाहरण हमें दिया, परम आदरणीय उपाध्यक्षा जी, शायद से आपका ये एक एहसान हम पूरे जीवन भर ना भुला पाएंगे। हमारी पूरी कक्षा की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। वैसे तो संस्था सभी के पुरुषार्थ से चलती है, पर जो हम सबके लिए प्रेरणा स्वरूपा हैं प्राचार्या महोदया जी, इन स्पाइट ऑफ हर हेक्टिक शेड्यूल शी ऑलवेज एंटरटेन्ड अस एज इफ वी वर हर ओन सन्स एंड डॉटर्स। ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर योर टायरलेस सर्विसेस। थैंक यू प्राचार्या महोदया जी। समय समय पर जिन्होंने हमें अपने सत्संग से अपने हमें मार्गदर्शन दिया, मैं सभी साधु व साध्वियोंगण और जितने भी हमारे अतिथि वृंद यहां पर उपस्थित हैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। जब हम सब सो जाते हैं तो दो लोग हम सबको सुलाने के बाद सोते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि कहीं किसी फ्लोर पर लाइट वेस्ट तो नहीं हो रही, कहीं किसी बच्चे का कंबल नीचे तो नहीं गिर गया, कहीं किसी को रात में सर्दी और गर्मी तो नहीं लग रही। आदरणीय भगवान दास दादाजी और आदरणीय उदयवीर दादाजी जिन्होंने यथासंभव यथा समय अपनी सेवाएं दी, चाहे वो प्रातःकाल हमें उठाना हो, दिन में दो दो बार हमें योगाभ्यास करवाना हो, हवन करवाना हो और फिर चाहे 6 बार हमें भोजन और स्नैक्स बांटना हो, जो कभी पीछे ना हटे, आप दोनों ही दादाओं का सस्नेह आभार। जिनके दिए हुए शब्द हैं उनसे उन्हीं का धन्यवाद करना आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। संस्कृत में एक सूक्ति है, ज्ञानो दधिस्तु अनंत पारो गभीरश्च मया सागर तटे स्थित्वा तु कतिपय बिंदवः एव प्राप्ता अद्यावधि। गुरु तो ज्ञान का सागर हैं, हमने तो इन 7-8 सालों में केवल कुछ बूंदें ही इकट्ठी की हैं। मैं सभी गुरु सत्ता का अपने हृदयाभ्यंतर से धन्यवाद करता हूं आपके प्रेम के लिए, आपके स्नेह के लिए और आपके पुरुषार्थ के लिए, जिन्होंने पहले हमें पूरा दिन क्लासेस में पढ़ाया और फिर अगर हमारे डाउट्स बचे तो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली, और अगर फिर भी हमारे डाउट्स बचे तो हमारे हॉस्टल्स में आकर भी जिन्होंने हमें पढ़ाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मांगी थी दुआ हमने रब से, मिला देना कुछ लोग जो अलग हों सबसे। उन्होंने मिला दिया हमें आप सबसे और कहा संभालो इन्हें, ये अनमोल हैं सबसे। जब पांचवी क्लास में नए नए आते हैं तो जब हम अपना भोजन करके डिनर के बाद अपने रूमों में जाते थे तो रास्ते में अपनी पूरे दिन की आप बीती सुनाते थे, भैया सबकी स्टोरी सेम होती थी। शुरुआती के कुछ दिनों में भैया मन नहीं लग रहा, घर की बहुत याद आती है। फिर वही छोटे छोटे बच्चे जब 2-3 महीने हो जाते थे तो भैया आपको पता है आज हमारी पूरी क्लास ने मिलके आपके लिए एक कार्ड बनाया। आप कहते थे ना नॉवेल्स पढ़ा करो, मैंने 6 नॉवेल्स अपने घर से मंगवाई हैं। भैया मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए राखी बनाई है। भैया आप हमें YouTube पर चैनल बनाना सिखा दोगे, हम उसके ऊपर संस्कृत की वीडियोस बना बना कर डाला करेंगे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, आप सबने जो प्रेम, आप सबने जो आभार, आप सबने जो आदर हमें दिया, आपके बड़े भैया और बड़े दीदियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यालय में सभी कार्य कर रहे जिन्होंने प्राचार्य महोदया जी की सहायता की यथासंभव, हमारे अत्यंत पराक्रमी पराक्रम स्टाफ के मेंबर्स जो रात में खुद ना सोए ताकि इस विद्यालय के 1000 बच्चे चैन से सो सकें, हमारे हॉस्टल स्टाफ के सभी भैया दीदी और वार्डन्स, इनर इंजीनियरिंग स्टाफ के सभी मेंबर्स, चाहे फिर वो इलेक्ट्रीशियन भैया हों, प्लंबर भैया हों, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाले भैया हों, और हमारे सभी गार्डनर्स जिन्होंने इतनी तपती हुई धूप में भी इन पौधों को मुरझाने ना दिया और इस वातावरण में एक हरा रंग मौजूद रखा। हमारे ड्राइवर भैया, अगर रात के 12 बजे भी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ना की, कार्य के समय के साथ जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भैया समेत सभी मेस के स्टाफ मेंबर्स का, जिनके साथ हमारा थोड़ा अधिक आत्मिक प्रेम भी रहा, मैं उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। सात्विक भोजन, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्पृहा हृदया आहार सात्विक प्रियाः, जिन्होंने पौष्टिक स्वादिष्ट और सात्विक भोजन और वो भी 1000 बच्चों के लिए बनाया। इट इज अ वेरी टीडियस वर्क बाय द वे, पर उन्होंने यह किया। जब भी जीवन में मिष्ठान खाएंगे, जब भी जीवन में मिष्ठान खाएंगे तो वो रविवार की बर्फी और गुरुवार की खीर हमें जरूर याद आएंगे, हमें जरूर याद आएंगे। स्वच्छता रखने में जिन्होंने अग्रणी योगदान दिया, हमारे सभी भारत विकास संघ के सभी सदस्यों का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। रब के बंदे हैं, रब तो नहीं, रब के बंदे हैं, रब तो नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, फिर हमसे क्यों नहीं। वैसे तो हमारी पूरी कक्षा ने बहुत बहुत ध्यान रखा कि कहीं किसी की मनसा कर्मणा वाचा, किसी की भावनाएं, किसी के इमोशंस हर्ट ना हो, पर अगर फिर भी किसी को ऐसा लगे तो जितने भी हमारे अनुज हैं वो हमें अपने बड़े भैया और बड़े दीदी समझकर माफ कर दें, और जितने भी हमारे बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं वो हमें अपने छोटे नादान बच्चे और बच्चियां समझकर माफ कर दें। अंत में मैं महाराज श्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, जिनका स्वयं का जीवन चाहे बहुत संघर्षपूर्ण रहा हो, जिनका स्वयं का बाल्यकाल बहुत अभावों में बीता हो, पर उन्होंने हमें अभावों का भाव तक ना होने दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इसी मंच से मैंने पहले भी एक बार कहा था और आज दोबारा कहता हूं, ये जो महान आत्मा हमारे मध्य जिनके हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, रियली दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं साक्षात्कार परमात्मा का अवतार है। ये दुनिया देर कर सकती है पर अंधेर नहीं ये समझने में,
परम पूज्य स्वामी जी आपका कोटि 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ। ओम, नाउ मे आई रिक्वेस्ट सुप्रज्ञ भ्राता जी टू कम अपॉन एंड एक्सप्रेस हिज व्यू। मनमोहन भ्राता जी टू कम अपॉन एंड एक्सप्रेस हिज व्यूज। बिना श्रद्धा समर्पण के कभी वंदन नहीं होता, कि वंदन देवता के भी बिना चंदन नहीं होता। करो कोशिश लाखों ही जतन लेकिन यही सच है कि बिना प्रभु कृपा के संत का दर्शन नहीं होता। परम आदरणीय पूजनीय स्वामी जी, उपाध्यक्ष जी, प्राचार्य जी, अति विशिष्ट महानुभाव, ज्ञान के भाव सागर में गोता लगाकर अनमोल रत्नों को निकालकर अपने शिष्यों के बीच वितरण करने वाले अनुभवी शिक्षकगण एवं अनमोल रत्नों को पाकर समाज कल्याण हेतु पुरुषार्थ करने वाले मेरे प्यारे लुंठक सहपाठियों, आज दीक्षारोहण समारोह के उपलक्ष्य में मैं मनमोहन कुमार 12वीं का छात्र आप सब के समक्ष अपने भावों को प्रकट करने हेतु आया हूँ। जब पेड़ से कोई डाल टूटकर अलग होती है तो चोट केवल डाल को नहीं होती अपितु पेड़ और डाल दोनों को होती है। ठीक उसी प्रकार से जब आज हमारा प्रस्थान होना जान पड़ रहा है तो चोट हमें और हमारे गुरुजनों को परस्पर भाव से हो रहा है। मैं आचार्य कुलम के लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि आचार्य कुलम इज हार्ड टू गेट इनटू एंड इवन हार्डर टू लीव। आचार्य कुलम में प्रवेश कठिन है और यहां से जाना भी। भारतीय परंपरा में यह स्थापित है कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत छोटी सी उम्र में ही गुरुकुल भेज दिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ और हमारे गुरुजनों ने इस सिद्ध पीठ के माध्यम से हमें नाना प्रकार के विद्याओं से सिद्ध किया। इस बीच हमारे गुरुजन हमसे क्या कहा करते थे, मैं उसको दो पंक्तियों में आप सब के समक्ष रखना चाहता हूं। वो कहते थे कि नहीं ये एक या दो दिन सुबह या शाम लड़ना है, कि नहीं ये एक या दो दिन सुबह या शाम लड़ना है जीवन का समर मृत्यु तलक अविराम लड़ना है। मेरे बच्चों कला सीखो सब ऊंचे लहू भेदन की, तुम्हें अभिमन्यु के भांति बड़ा संग्राम लड़ना है, तुम्हें अभिमन्यु के भांति बड़ा संग्राम लड़ना है। मैं स्वामी जी समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें सर्व समृद्ध बुद्धि वाले, बुद्धि के समान शास्त्रों का अभ्यास करने वाले, शास्त्रों के अभ्यास के समान कार्य व्यापार शुरू करके ठीक उसी प्रकार से फल सिद्धि को प्राप्त करके समाज कल्याण हेतु उसे वितरण करने वाले जैसा बनाया। आज हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि हमें संस्कार मिला, आचार्य कुलम जैसा शिक्षण संस्थान मिला, संस्कृत का ज्ञान मिला। संस्कृत केवल साहित्य पर नहीं है अपितु संस्कृत से संस्कृति की निर्माण होती है, संस्कृति निर्माण से चरित्र की निर्माण होती है और चरित्र निर्माण से राम जी की तरह सीता माता की तरह भारत के करोड़ों पुरुष एवं महिलाएं अपना चरित्र सुरक्षित रखते हुए कम संसाधनों में कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन चला सकते हैं। मैं चार पंक्तियाँ जो आचार्य कुलम के नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर के बड़े बच्चे क्या कहा करते हैं, वो आगे चल करके क्या क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर निवेदित करना चाहूंगा। कि सुनिए श्रीमान मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो, कि सुनिए श्रीमान मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो, स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। वो शुक्रिया के साथ इनके लिए दुआ करेंगे, शुक्रिया के साथ इनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और आशीर्वाद के याचक और कर्म के पुजारी, कि आशीर्वाद के याचक और कर्म के पुजारी, हम तो खुद भी जगेंगे और राष्ट्र भी जगाएंगे। कि आशीर्वाद के याचक और कर्म के पुजारी, हम तो खुद भी जगेंगे और देश भी जगाएंगे। अगली दो पंक्तियां मैं स्वामी जी के चरणों में निवेदित करना चाहूंगा कि चाहे न्यायपालिका कार्यपालिका या फिर, कि चाहे न्यायपालिका कार्यपालिका या फिर, राजगद्दी पर हम शेर ही बिठाएंगे। और जितने घोटाले बाज चाले बाज धोखेबाज, जितने घोटाले बाज चाले बाज धोखेबाज, सबको उखाड़ हम देश से भगाएंगे। और योग कर्म योग न करने वालों को भी, कि योग और कर्म योग न करने वालों को भी हम योग कराएंगे। और
भारतीय सभ्यता के ऊपर मैं दो पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा कि गीता मानस संघ भारतीय सभ्यता को कि गीता मानस संघ भारतीय सभ्यता को हम जन जन घर घर मन मन राष्ट्र राष्ट्र पहुंचाएंगे और योग आयुर्वेद से हम विश्व में परचम लहराएंगे और विश्व गुरु का खिताब ला करके कि विश्व गुरु का खिताब ला करके हम देश को दिलाएंगे हम देश को दिलाएंगे। अब अंत में मैं अपने सभी सहपाठियों की तरफ से एक बार आचार्य कुलम के सभी सदस्य को गुरुजनों को सहकारी पदाधिकारी दादाजी हॉस्टल भैया एवं बीवीजी भैया तमाम सभी पदाधिकारी एवं भैया लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें स्नेह और अपना प्यार जिस प्रकार दिया उसके लिए कोई दूसरा स्थान वहां पे नहीं आ सकता जिस प्रकार उन्होंने हमें स्नेह और प्यार दिया। धन्यवाद। नाउ मे आई इन्वाइट दिव्यांजलि भगनी जी एंड एलिशा भगनी जी टू एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड। ओम नमो नमः। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, यहाँ उपस्थित सर्वश्रेष्ठ अतिथिगण, उपाध्यक्षा जी, प्रधानाचार्य जी, गुरुजन एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं दिव्यांशी और मैं एलिशा आप सभी के समक्ष कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। स्कूल का वो पहला दिन याद है? याद तो जरूर होगा, नहीं है? चलो याद करवाते हैं। जब हम घर से आए थे यकीनन सब अपनी आंखों में आंसू जरूर लेके आए थे, क्योंकि पेरेंट्स को छोड़ने का गम था, हॉस्टल में रहने का डर था और आचार्यकुलम में कुछ तो अलग था। क्या था वो अलग? आओ हम बताते हैं। उपनयन संस्कार, होली समारोह जिसमें फूलों की होली खेली जाती है, हमारे यहाँ तो रंगों की होली होती थी, आप क्या भी होती होगी, दियों की दिवाली जो कि प्रदूषण रहित हो रहती है, वातावरण का ध्यान रखना भी तो बहुत जरूरी होता है ना। हमने सब कुछ सीखा पर एक चीज हमने यहाँ पे सबसे अलग सीखी, वो था अभिवादन का तरीका। क्या दूं आपको गुरु दक्षिणा, मन ही मन ये सोचूं, क्या दूं आपको गुरु दक्षिणा, मन ही मन ये सोचूं, चुका ना सकूं कर्ज आपका, चुका ना सकूं कर्ज आपका, जीवन भी अगर दे दूं, जीवन भी अगर दे दूं। आदर्शों की मिसाल बनकर बाल जीवन संवारता शिक्षक, नित नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाता जीवन, आपने बनाया है हमें इस योग्य, आपने बनाया है हमें इस योग्य कि प्राप्त कर सके हम अपना लक्ष्य, आपने बनाया है हमें इस योग्य कि प्राप्त कर सके हम अपना लक्ष्य, दिया है हर समय आपने सहारा, दिया है हर समय आपने सहारा, जब भी लगा हमें मैं हारा, जब भी लगा हमें मैं हारा। किसी को याद है आज से ठीक एक साल एक महीने और दो दिन पहले हमारे यहाँ कुछ हुआ था, किसी को याद है? जी हाँ, सीनियर्स का दीक्षारोहण, और उस दिन हमें लगा था कि कोई नहीं अभी एक साल है हमारे पास, पर वो पूरा एक साल इतनी जल्दी निकल जाएगा और हमारे लिए भी एक ऐसा दिन आएगा जब हमें यहाँ से जाना होगा, हमने नहीं सोचा था, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम पांचवी क्लास में आए छोटे छोटे बच्चे इतनी जल्दी 12th क्लास के सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हो जाएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने जोश में भागने के लिए, इतने जोश में आगे आते हैं हर बार लाइन में आगे लगने के लिए, हर चीज में लाइन में आगे लगने के लिए उन बच्चों के ऊपर लाइन लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी क्योंकि आप अब 12th में आ चुके हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो जो छोटे छोटे दुख हमें इतने बड़े लगते थे, जैसे पीटीएम पे जब पेरेंट्स जाते थे या फिर कभी टीचर डांट देती थी तो कितना बुरा लगता था, हम कितना रोते थे, और आज ऐसा लगता है कि हमारे जूनियर्स वही कर रहे हैं और हम इतनी जल्दी बड़े हो गए कि अब हमारा टाइम है, हमें उन्हें संभालना है। वो जब भी संडे को हम डिनर करेंगे ना घर पे बैठ के,
तो याद आएगा, अरे आज तो मिठाई का दिन था। और हाँ, वो बेसन का लड्डू जो डबलिंग करने में मजा है, वो घर पे कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वेंसडे को स्पेशली जब बच्चे स्नैक्स के लिए नीचे आते हैं, जब घर पे जाओगे तो बोलोगे ओफो आज तो कस्टर्ड होना था पर हुआ नहीं, क्योंकि हम घर आ चुके हैं। वो हॉस्टल दीदी और हॉस्टल भैया जब बचपन में सुबह बहुत प्यार से उठाते थे और छोटी सी गलती उस पे हमें इतने अच्छे से डांट पड़ती थी, वो अब नहीं मिलेगी क्योंकि अब हम घर चले जाएंगे। हमारा फर्स्ट डे सबको याद होगा, हमारा फर्स्ट डे हम सबको दीदी और भैया बोलते थे, और आज हम ऐसी स्टेज पर है कि सब हमें दीदी और भैया बोलते हैं, और हम उस काबिल बन पाए कि सब हमें देखें और आगे बढ़े। वो दिन हम आज महसूस कर रहे हैं, और शायद यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से जाने के लिए एक्साइटेड भी हैं, रो भी रहे हैं कुछ बच्चे। बट मैं लास्ट बस इतना कहना चाहूँगी कि टीचर्स को मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, बट जो टाइम मुझे मेरे फ्रेंड्स ने दिया और यहाँ के बच्चों ने दिया वो बहुत अच्छा था। 8 साल के जितने भी इवेंट्स हैं मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ये जो हमारा सफ़र है ये इतना अच्छा था कि शायद शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए इस अवसर पर मुझे एक गीत याद आता है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते नहीं, वो फिर आते नहीं। धन्यवाद। विलियम शेक्सपियर वंस सेड, पार्टिंग इज सच अ स्वीट सोरो दैट आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी टुमारो। विद दिस मे आई कॉल अपॉन आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम टू एड्रेस द ऑगस्ट वेदरिंग एंड डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स। गुरु है जीवन का आधार, गुरु में बसा सारा संसार, गुरु बिन जीना है व्यर्थ, गुरु सुझाए जीवन का अर्थ। ओम नमो नमः। ऑन बिहाफ ऑफ द आचार्य कुवलम फैमिली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एक्सटेंड माई हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू परम पूज्य स्वामी जी महाराज फॉर बीइंग आवर गुरु, फॉर बीइंग आवर गाइडिंग लाइट, फॉर बीइंग आवर बीकन ऑफ होप। महाराज जी, योर डिवाइन प्रेजेंस एंड ब्लेसिंग्स टुडे हैज मेड दिस अ वेरी स्पेशल ओकेजन। अपने भीतर संकल्प की अग्नि हमेशा हमेशा प्रज्वलित करना, इससे आपका जीवन हमेशा प्रकाशमान रहेगा। स्वामी जी महाराज, आपने ये जो ज्ञान ज्योति हमें प्रदान की है उससे हम संपूर्ण विश्व को आलोकित करेंगे, ऐसा हमारा वचन है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश उसका परिचय होता है, उसी प्रकार मनुष्य का के कर्म उसका परिचय देते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री जी की ये सीख हमें हमेशा सही राह और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इन एब्सेंशिया आर हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू श्रद्धेय आचार्य श्री फॉर ऑलवेज इंस्पायरिंग अस टू डू बेटर। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हों, आज हों या आगे आ सकती हैं, उन सब का समाधान केवल और केवल योग है, अध्यात्म है, सेवा है, समर्पण है। आदरणीय साध्वी देवप्रिया जी, वी प्रॉमिस यू दैट वी शिल ऑलवेज ऑलवेज स्टे कमिटेड टू द विजन दैट स्वामी जी एंड आचार्य श्री हैव सीन फॉर आचार्य कुलम। थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। A very special and heartfelt thank you to all our esteemed guests for being here with us today. Your presence has truly motivated our children, us, and made this Diksha Rohan Samaharoh even more special. Kehte hain bharosa aur aashirwad kabhi dikhai nahi dete, lekin asambhav ko sambhav bana dete hain. A very big thank you to our very special, very dear, very own vice chairperson Dr. Ritambara Shastri ji. Didi, thank you for believing in us, for motivating us, for encouraging us, and for always blessing us in abundance.
so that we can dream and fulfill our dreams. Acharya Rajneesh ji, in absentia, thank you for being our mentor, for showing our children the right path. A big thank you to Bhagwan Das Dada ji, Udevi Dada ji, for teaching us all that the aim of education is the knowledge of not facts but of values. We are forever indebted. Best lessons in life are learnt not from books, but from the hearts of teachers who are truly great. Thank you, dear teachers. Our students are here today because of you, because of your love, because of your dedication. Thank you. A special thank you to the wardens, bhaiyas and didis, administrative staff, medical staff, Bharat ji, the mess staff, supervisors and the housekeeping staff, maintenance staff, security staff, drivers, and everyone who's a part of our life. Thank you for helping us day in and day out. Last but not the least, class of 2022. Thank you for coming into our lives and making it extra special and making us feel extra blessed. As you step into the world outside, take with you what you have learned from Acharikulam in the past 8 years that you have spent here. Always remember, Ekam Jeevanam Ekah Avsarah, one life, one chance. So make a difference. Atmadipa Bhava, be your own light. Remember, if you want to light and give light to others, you must have glow within yourself. Paropkarartham Idam Shariram, this life is to help others. So go out and serve everyone that comes your way. Yad Bhavo Tat Bhavati, you become what you believe. So always stay positive, stay happy in life. Ma Kadapi Tyaj, never give up. Things will be tough in life, but stand up. Face the problems that come your way, because always remember, Etadapi Gamishyati, this too shall pass. And finally, every day in life, tell yourself, Anugrahita Asmeham, I am blessed. You have been blessed because you have been part of Acharikulam. You are blessed as you step out into the new world. God bless you, class of 2022. May all your dreams come true. Thank you everyone for being here with us today. वंदन करते हुए सूक्ष्म रूप से परमादरणीय परम पूज्य आचार्य श्री जी का चरण को भी वंदन करते हुए प्रणाम करो महाराज जी हैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये बिछड़ने का बहुत ये होता है, तो आज ऐसा लग रहा है पेड़ बड़ा हो रहा है, ब्रांचेस सारा देश में पहुंच रहा है, ऐसे लग रहा है मेरे को। बहुत अच्छा लगा, और बिटिया का बहुत सुंदर प्रस्तुति मेरे को रुलाया। बच्चे भगवान होते हैं, तो आपको छोटे छोटे देखे थे, अब बहुत ऊंचा हो गए, और ऊंचा होना है। छोटे छोटे और ऊंचा होना है। और स्वामी जी का एक वृक्ष, बड़ा वृक्ष जैसा वृक्ष में आप लोग आश्रय लेके बहुत आगे बढ़ेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। पूर्ण आशीष आप लोगों को, आपको बहुत मिस करेंगे। भगवान आप लोगों को पूर्ण श्रेय प्राप्त करे। दीक्षारोहण का यह वासंतीय आयोजन वसंत के नव प्रसूनों की मोहक सुवास के अभाव में अपूर्ण सा प्रतीत होता है। अस्तु, अपूर्ण की संपूर्णता को सुनिश्चित करते हुए हम सभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शुभाशीषों से अभिमंत्रित कर दीक्षारोहण कर रहे ऋषि कुमारों,
वर्षिकाओं पर सुमन वृष्टि करें। ओम वेदमनोच्याचार्योऽन्ते वासिन मनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियंधरमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।